आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जामुन जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही इसके औषधीय गुण भी होते हैं। जामुन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जामुन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसा आयुर्वेद समाधान लाए हैं जो जामुन से संबंधित है। जी हाँ, जामुन खाने से मधुमेह की बीमारी नहीं होती है, साथ ही इसको खाने से पथरी की रोकथाम भी होती है। जामुन की गुठली को दही में पीसकर खाने से काफ़ी अच्छा माना जाता है। जामुन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए इसे खाना बेहद स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो जामुन खाएं, उनको भूख लगने लगेगी। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है वो जामुन खाएं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उनको भूख लगने लगी है। चलिए अब हम देखते हैं जिस मकसद के लिए ये वीडियो हमने बनाया है, इसमें मधुमेह या डायबिटीज में जामुन के चूर्ण का कैसे हम फायदा ले सकते हैं, क्या तरीका है, क्या पद्धतियां हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। मधुमेह में जामुन का सेवन करने से आपको हमने बताया बहुत लाभ मिलता है। जामुन की 100 ग्राम जड़ को साफ कर 250 मिलीलीटर पानी में पीस लें। इसमें 20 ग्राम मिश्री डालकर सुबह और शाम भोजन से पहले पिएं, इससे मधुमेह में बहुत लाभ मिलेगा। अगला तरीका देखिए, जामुन की गुठली का चूर्ण एक भाग, शुंठी चूर्ण एक भाग और गुड़मार बूटी दो भाग मिला लें। इसे पीसकर कपड़े में छान लें। इस मिश्रण को घृत कुमारी या एलोवेरा के रस में डुबोने के बाद बेर जैसी गोलियां बना लें। दिन में 3 बार एक एक गोली मधु के साथ लेने से मधुमेह में लाभ होता है। एक और तरीका देखिए, 300 से 500 मिलीग्राम जामुन के बीज को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर 3 बार लेने से मधुमेह में बहुत लाभ मिलेगा। एक और तरीका, 250 ग्राम जामुन के पके हुए फलों को 500 मिलीलीटर उबलते हुए जल में डालें, कुछ समय उबलने दें, ठंडा होने पर फलों को मसलकर कपड़े से छान लें। इसे रोज 3 बार पीने से मधुमेह और धातु रोग में फायदा होता है। और दो तरीके हैं वो भी जान लीजिए, बड़े आकार के जामुन के फलों को धूप में सुखाकर चूर्ण कर लें। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का दिन में 3 बार सेवन करने से मधुमेह में बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। एक छोटा सा तरीका और है, वो भी आप जान लीजिए। उसमें क्या करना है, जामुन की छाल की राख मधुमेह की उत्तम औषधि है। 625 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक की मात्रा में राख का सेवन करें। दिन में 3 बार सेवन करने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाता है। ये आयुर्वेद समाधान हमने आपको बताया है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और आपका जो मधुमेह है वो भी खत्म हो जाएगा। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। नमस्कार।